हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय सब लोग में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और मैं भी खाना बना रही हूँ, और जो है मैं नीचे खाना बना रही हूँ। इस टाइम जो है 2-4 दिन से मैं नीचे ही खाना बना रही हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इसकी वजह से मैंने शॉल ओढ़ रखी है। और मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं भी खाना बना रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और अभी जो है हमारे चावल पक चुके हैं और सब्जी हमारी पक रही है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और आटा मैंने गूंद के रख लिया है यहाँ पे, और मैंने सोचा चलो ब्लॉग अपना स्टार्ट कर देते हैं यहीं से। तो फ्रेंड्स, आज जो है मैं पेठे की सब्जी बना रही हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग, ये पेठे की सब्जी है हमारी, बन रही है। ये मैंने अभी पौधे से तोड़ा हुआ है, ये ताज़ा पेठा है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं यही बना लेती हूँ, ऐसे भी हमारे घर में भी आज सब्जी नहीं है, तो इसकी वजह से मैंने इसको तोड़वा लिया है और मैं खाना बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद बहुत सारे काम है, तो मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, खाना मैंने बना लिया है और अभी किसी ने खाया भी नहीं है, और ये सभी लोग कह रहे थे कि हमको जो है दही खाना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये दही उस दिन का है जिस दिन से मैं जमा रही थी, तो ये आज पूरी गगरी हमारी भर गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इतना ज़्यादा ये जम गया था तो ये गिरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बिल्कुल नहीं गिर रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको निकाल देते हैं, चम्मच से निकाल देते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर चम्मच से निकाल दिया है, और ये देखिए कितना अच्छा हमारा दही है, और इसके अंदर अभी बहुत सारा चिपका हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारा चिपका हुआ है, क्योंकि ऐसे नहीं निकलेगा, चम्मच से ही निकलेगा। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, और आज मैं इसको मथने जा रही हूँ, और देखती हूँ कि मैं इसमें कितना मक्खन निकाल पाती हूँ या नहीं निकाल पाती हूँ, क्योंकि मैं पहली बार इसको मथने जा रही हूँ। वैसे तो मैं मलाई से निकालती हूँ, लेकिन इसको मैंने नहीं निकाला हुआ है। और पहले हम लोग खाना खा लेते हैं यहाँ पर, तो मैं खाना निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, सबके लिए मैं खाना निकाल देती हूँ, और ये दही आज पहली बार हमने जमाया हुआ है, तो पहली बार सभी लोग खाने जा रहे हैं। वैसे तो बाहर से दूध आता था तो उसी का जमा लेते थे, और घर का दूध नहीं होता था, लेकिन ये हमारे घर ही का दूध है, तो मैंने पहली बार यहाँ पे जमाया हुआ है। और आप लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मथना स्टार्ट कर दिया है, और इसकी जो है मैथानी होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो इसकी वजह से देखते हैं निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। और अभी इसमें थोड़ा सा पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि उससे बहुत जल्दी निकलता है, और सर्दियों का समय है तो थोड़ा गुनगुना पानी डालना पड़ता है। लेकिन मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी इसमें डालूँगी, क्योंकि दूध हमारा गुनगुना है। और इधर ये भी आ गए थे, शाम हो गई है, खाना पीना हम लोगों का हो गया था, ये आ गए हैं, तो मैंने सोचा इनके लिए मैं रोटियां बना देती हूँ, क्योंकि ये खा के नहीं गए थे। तो मैंने सोचा चलो गर्म गर्म रोटियां बना देती हूँ, ऐसे मैं बना के नहीं रखती हूँ। और आज आप लोग देख सकते हैं, ये हाथ मैं ऐसे कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हाथ हमारे दर्द हो रहे हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई है हमको यहाँ घी निकालने में, और घी बिल्कुल नहीं निकला है काफ़ी देर से, 2 घंटे से। ये देखिए आप लोग यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए सिर्फ इतना ही घी निकला हुआ है, और 2.5 घंटे से मैं मेहनत कर रही थी, और हमारे हाथों में इतना दर्द हो गया है कि हमें मेहनत मतलब मेहनत का फल भी नहीं मिला हुआ है। और आज पहली बार हमसे ऐसा हुआ है कि मैं मक्खन नहीं निकाल पाई हूँ, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया था। और अभी आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी हमारा पूरा सिंक बर्तनों से भरा हुआ है, और सारा समय हमारा इसी में चला गया, सारा समय वेस्ट हो गया इसी में, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और हमसे जो है पहली बार ऐसा हुआ है, मेहनत करते करते हमारे हाथ पूरे थक गए हैं अब। लेकिन अब जो है मैं इतना ही मैंने घी निकाला हुआ, लेकिन अब मैं मेहनत नहीं करूँगी, ऐसे मैं नहीं निकालूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको रख देती हूँ, थोड़ा सा घी, इतने घी के पीछे आज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तो मैं इसको रख देती हूँ और फिर सारा काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि जो थोड़ा सा घी निकला हुआ है उसको मैंने पूजा के डब्बे में भर के रख दिया है, क्योंकि गाय का घी शुभ होता है पूजा के लिए, और मैंने उसको इसलिए रख दिया है। और ये देखिए, ये मैहर जो है, इसको मैहर बोलते हैं हमारे लोगों के यहाँ, ये जो नीचे लग जाती है खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है, इसके लिए मैंने इसमें नमक डाल के रख दिया है, जिसको खाना होगा वो खा लेगा। और इधर शाम का समय है, शाम के रात के 9 बज रहे हैं, और टीवी चल रही थी तो सीरियल आ रहा था, अच्छा आ रहा था, तो इसकी वजह से मैं भी देख रही थी थोड़ी देर के लिए। और इधर चावल
पेशाब कर रही थी क्योंकि खाना दोपहर का रखा हुआ था, इनको शाम हो गई थी आते आते, तो इन्होंने वही खाना खा लिया था, वो मैंने गर्म कर दिया था तो खा लिया था। और यहाँ पे थोड़े से चावल की मैं खिचड़ी बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा कोई खाएगा नहीं, इसकी वजह से मैं थोड़ी सी ही खिचड़ी बनाऊँगी। तो इधर मैं चावल साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद में मैं थोड़ी खिचड़ी बना लूँगी खाने के लिए। और ये देखिए खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो गई है और मैंने सिंपल वाली खिचड़ी बनाई हुई है क्योंकि कुछ लोग खाएंगे कुछ लोग नहीं खाएंगे, इसकी वजह से मैंने थोड़ी सी ही खिचड़ी बनाई हुई थी। बच्चों का खाने का मन था इसलिए मैंने बनाई हुई थी, वैसे तो मैं नहीं बनाती, सिर्फ मैं होती तो नहीं बनाती, लेकिन बच्चों का मन था, भूखे सो जाते, तो इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ी खिचड़ी मैं बना लेती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स खिचड़ी हमारी बनके तैयार हो गई है और मैंने खिचड़ी ही बनाई है थोड़ी सी क्योंकि ये अभी दोपहर का खाना रखा हुआ था, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ी खिचड़ी बना ली है। और जो है अभी रात के 9:15 बज रहे हैं और काफ़ी समय हो गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मैं मिलती हूँ आप लोगों को किसी अगले न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।